लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे थे लाइव न्यूज। मैं आज एनसीपी कार्यालय में हूं और 2 अक्टूबर पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पर आज उनको जन्मदिन मनाया जा रहा है पार्टी की तरफ से। और पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, राणा सर हैं मेरे साथ, और राणा सर से मैं बात करूंगा, महात्मा गांधी से लेकर के आज के राजनीति के परिदृश्य पे बात करूंगा। सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि जो आज़ादी के वक्त महात्मा गांधी जिस तरह से देश को आज़ाद किए, उस आज़ादी का सपना पूरा हो रहा है महात्मा गांधी का आज के डेट में। सबसे पहले मैं महात्मा गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित करना चाहता हूँ, और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भी पुष्पांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। और इस महान व्यक्तित्व के बारे में कुछ बोलना मुझे लगता है कम ही होगा, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में जो योगदान महात्मा गांधी जी का रहा उस पर बहुत कुछ नहीं बोल सकता, इसलिए कि सारे लोग जानते हैं इनका व्यक्तित्व और कृतित्व इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि अब इनके बारे में कुछ कहना मुझे लगता है कम ही होता है। आज हमें गर्व है, हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सारे सिपाहियों को गर्व है कि हम महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। हमारे नेता आदरणीय शरद पवार साहब, प्रफुल्ल पटेल साहब, तमाम ऐसे लीडरान हमारे हैं जो महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रण लिए हैं और देश को एक सूत्र में बांधने का, देश को विघटनकारी तत्वों से बचाने के लिए हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी साथी एकजुट हैं। और मैं कहना चाहता हूँ इस अवसर पर कि महात्मा गांधी बगैर संसाधन के जिस तरह से देश को एक सूत्र में बांधा, जब महात्मा गांधी जब चला करते थे सड़कों पे तो लाखों लोग उनके पीछे हुआ करता था। उस ज़माने में न कोई संचार सुविधा थी, न मोबाइल था, न टेलीविज़न था, न कोई पत्राचार का साधन था। इस व्यक्ति के अंदर मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं दैविक शक्ति था इनके अंदर, तभी लोग इनकी बातों से सहमत होते हुए इनके कारवा में साथ होते थे। और आज़ादी की लड़ाई में, लंबी लड़ाई के बाद आज देश आज़ाद है, तो महात्मा गांधी जी का कहीं ना कहीं, आपने चर्चा किया कि इनमें दैवी शक्ति थी, ये अहिंसा पे देश को आज़ाद किए। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है, जब अहिंसा की बात हुई तो देश में जो अभी स्थिति है, हिंसा की स्थिति ज़्यादा हो गई है और सारा काम, सारे जो हैं लोग हिंसा से ग्रस्त और हिंसा से ही सारे काम हो रहे हैं। मैं जो भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो कोई संगठन हो या कोई व्यक्ति हो, मैं उसकी मुखालफत करता हूँ। और यही नहीं, महात्मा गांधी जी अहिंसा परमो धर्म का नारा दिया था, और महात्मा गांधी जी उस हिंसा का शिकार आज़ादी के तुरंत बाद हुए थे। मैं ये नहीं कहता कि आज हिंसा पर लोग उतारू हैं और राजनीतिक दल हिंसा का भी सहारा ले रहे हैं, लेकिन उस वक्त जो जिन ताकतों ने महात्मा गांधी जी की हत्या की थी, आज हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, महात्मा गांधी जी अब इस धरती पर नहीं हैं, लेकिन हम शर्मिंदा हैं। महात्मा गांधी जी को यह कहते हैं कि बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। और इस कातिल को जो आपकी जो हत्या की गई, वैसे लोग समाज में आज भी हैं, उन तत्वों से हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और देश को एक सूत्र में बांधने के लिए, देश में अहिंसा पर चलने का जो हम लोग संकल्प लिए हैं, अहिंसा के रास्ते किसी भी आंदोलन का करने के लिए हम लोग संकल्प लिए हैं, तो वैसे स्थिति में आज महात्मा गांधी जी की बहुत ज़रूरत है। आज हम लोग अहिंसा का पाठ पढ़ाने के लिए, अहिंसा की बात बताने के लिए, इनके पद चिन्हों पर चलने के लिए हम तमाम साथियों को आग्रह करेंगे, प्रेरित करेंगे, ताकि देश में जो जिस तरह की वातावरण अभी चल रही है, वो वातावरण देश को कहीं ना कहीं गलत रास्तों पर ले जा रहा है, देश को विखंडित करने की साजिश रची जा रही है। और इस साजिश से हम लोग चाहते हैं कि देश के नौजवान खासकर उससे बचे, और जो साजिश है देश को खंडित करने की, उसको निश्चित तौर पे बेनकाब करें। ठीक है, इनका कहना था कि महात्मा गांधी अभी भी, जो देश की आज़ादी के 70 साल के बाद भी, आज एक महात्मा गांधी की और ज़रूरत है, क्योंकि जो महात्मा गांधी जो सपना देखे थे इस देश के लिए कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा, महात्मा गांधी मैं शर्मिंदा हूँ, आपका कातिल अभी भी जिंदा है, इसलिए इस
सबको ख़त्म करने के लिए आज के युवा को इस देश में आगे बढ़ना पड़ेगा और देश को कदम से कदम और सभी जाति सभी धर्म को एक समानता में लाने के लिए महात्मा गांधी के चरण कदमों पर चलना पड़ेगा। मैं शंभु कुमार कैमरामैन यशोधर्मा के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज़ खबर तो पक्की है।